अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा गाइस, आज की वीडियो जो होने वाली है वो एक छोटी सी चीज़ के ऊपर होने वाली है कि बेसिकली मैं आप लोगों को आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आप लोग अपना गेमिंग पीसी बनाते हैं उसके अंदर ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हैं तो उसके ग्राफिक कार्ड्स के साथ अगर आप डिफरेंट टाइप के अगर मतलब तीन मॉनिटर्स अगर लगाना चाहें, मल्टी मॉनिटर्स अगर आप लगाना चाहें, मल्टी टास्किंग अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। आई मीन के मैं सिंपल वर्ड आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग कौन सी पोर्ट्स को यूज़ करके अपनी जो है ग्राफिक कार्ड के साथ यानी अपने पीसी के साथ जो है आप जो है दो या तीन मॉनिटर्स लगा सकते हैं। तो चले गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ। देखिए, आपके जो ग्राफिक कार्ड जो आपको मिलता है, अगर तो आप बहुत अच्छा वाला ग्राफिक कार्ड लेंगे तो उसके अंदर टोटल आपको थ्री पोर्ट्स मिलेंगी। नंबर वन HDMI, नंबर टू VGA, नंबर थ्री DVI। अब DVI के अंदर जो है बात करते हैं, उसमें दो पोर्ट्स आती हैं, एक DVI-D आती है और एक DVI-I आती है। बेसिकली जो DVI-I होती है उसको बाज़ लोग DVI+ पोर्ट भी बोलते हैं, और DVI-D जो होती है उसको बाज़ लोग माइनस वाली पोर्ट भी बोलते हैं, DVI- पोर्ट। तो आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा भी कि कौन कौन सी पोर्ट्स होती हैं और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो चले अभी चल के हम लोग ज़रा देखते हैं। जी गाइज, मैंने कहा आप लोगों को सर थोड़ा सा मैं पहले गाइड कर दूं कि मैं करना क्या चाह रहा हूं एक्चुअल में। बेसिकली जिस तरह से आपको पता है कि ये मेरी यहाँ पे साइड पे मेरे कमरे का LED TV लगा हुआ है ओरिएंट का 32 इंचेस का, और उस साइड पे मेरा गेमिंग पीसी है। ठीक है, ऊपर जो है गेमिंग पीसी का एक नीचे मॉनिटर लगा है जो कि इसका जो है प्राइमरी मॉनिटर, ऊपर वाला जो है इसका सेकेंडरी मॉनिटर है। तो बेसिकली ये जो नीचे वाला इसका यह है कि इन सिंपल वर्ड्स बोलूँ, ये मेन मॉनिटर, ये पहला मॉनिटर, और जो ऊपर वाला है वो दूसरा मॉनिटर है जो कि इसको एज ए मैं स्लेव यूज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर। ठीक है, तो जो नीचे मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाऊँ, ये जो PC पड़ा हुआ है ये HP का, ये जो है ये बेसिकली मेरा गेमिंग PC है। उसके साथ जैसा कि आप लोगों को मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था कि यहाँ पे एक मैंने जो लेनोवो का मैंने PC बिल्ड किया था आप लोगों के सामने अपने रूम के LED के साथ, बेसिकली एज अ मल्टीमीडिया PC यूज़ करने के लिए। आप लोग देख सकते हो सामने जो लेनोवो का PC पड़ा हुआ है। तो इस PC को मैंने अपने इसके LED TV के साथ मैंने लिंक किया हुआ है HDMI केबल के थ्रू ग्राफिक कार्ड लगा के। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मुझे ऐसा करना है कि अगर कभी मतलब ये TV केबल के ऊपर यूज़ हो रहा हो और मुझे अगर ये भी PC साथ में यूज़ करना हो तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस PC को अपनी ये डेल की जो स्क्रीन है 24 इंच की, इसके साथ भी मैं लिंक कर लूँ, और ऊपर जो मेरी जो HP की जो स्क्रीन पड़ी हुई उसके साथ भी मैं लिंक कर लूँ। यानी कहने का मकसद ये है कि मेरे कमरे में जो जितनी भी स्क्रीन्स हैं उस पर दोनों PCs जो लिंक होने चाहिए हैं। तो अब उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, बेसिकली मैं ये दो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, अपने ये वाला जो मेरा लिनोवो का PC है इसको एक अपनी इस वाली स्क्रीन के साथ लिंक करने में और एक वो ऊपर वाली स्क्रीन के साथ लिंक करने में। तो बेसिकली सबसे पहले मैं यूज़ करूँ एक VGA केबल। ठीक है, ये VGA केबल है। उसके साथ जो मेन चीज़ मैं यूज़ करूँ अपनी ऊपर वाली स्क्रीन के लिए वो है ये DVI-D पोर्ट टू HDMI कन्वर्टर है ये। इसको बेसिकली अगर नॉर्मल इसको बात की जाए तो ये बेसिकली DVI- पोर्ट है ये। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बेसिकली DVI-to HDMI कन्वर्टर है ये। तो इसको किस तरह से लगाना है, क्या करना है, वो मैं भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि अभी मेरा जो ग्राफिक कार्ड है ये बेसिकली तीन पोर्ट्स को, तीन मॉनिटर्स को सपोर्ट करता है। तो इसमें कौन कौन सी पोर्ट्स हैं, तो उसके लिए मुझे आपको अपने टेबल के बैक साइड पे लेके जाना पड़ेगा। चले टेबल के बैक साइड पे चलते हैं और फिर बात करते हैं चल के। गाइस, आई होप सो कि आपको नज़र आ रहा होगा। देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें, ये मेरे PC के अंदर ये थ्री पोर्ट्स आ रही हैं जो कि ग्राफिक कार्ड से आ रही हैं। एक ये DVI- है, DVI-D पोर्ट, HDMI और VGA। ये जो HDMI केबल आ रही है मेरी ओरिएंट की स्क्रीन से आ रही है, तो उसको मैं वापस लगा देता हूँ। ये मेरा एज अ फर्स्ट मॉनिटर काम कर रहा है। ठीक है, उसके साथ अब मुझे क्या करना है मैं आपको बताता चलूँ। ये जो HDMI केबल आ रही है मेरी ऊपर, वो जो 22 इंच की जो मेरी जो वो है HP की जो LED मॉनिटर है उसमें से आ रही है। इसके साथ मैं DVI पोर्ट कनेक्ट करूँगा, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसका मैं DVI पोर्ट कैसे कनेक्ट करूँगा। इसके साथ ये देखें, ये कन्वर्टर है मेरे पास, ये मेरे हाथ में है, ये देख सकते हैं आप लोग। इसको मैं सिंपली यहाँ पे मैं लगा दूंगा, और आप लोगों ने एक चीज़ को मेक श्योर कर लेना कि आप लोगों ने लगाने से पहले इसकी पिंस चेक कर लेनी, क्योंकि पिंस इसकी टिल्ट वगैरह तो नहीं है। और एक दफ़ा आप लोगों ने अपने जैक को भी चेक कर लेना, फिर उसके बाद आपने इसको आराम से इसके ऊपर रख के उसको प्रेस कर देना आप लोगों ने। ये देखें, ये लगना शुरू हो गया है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने पुश करके उसके बाद ये जो दो इसके ऊपर के जो ये नट टाइप जो चीज़ें हैं आप लोगों ने टाइट कर देनी अच्छी तरह से। ये देखें, ये देख सकते हैं, इसको भी मैंने टाइट कर दिया है।
अच्छी तरीके से आप इसको टाइट कर दें ताकि कोई इसके अंदर लूजिंग वगैरह ना हो। अगर लूजिंग होगी तो आप लोगों का डिस्प्ले या तो वो थोड़ा सा हैजी आएगा, इफ़ नॉट सो तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के अजीब अजीब से कलर्स आएंगे उसके अंदर। ये देखिए कनेक्टर मैंने लगा दिया। अब ये HDMI केबल है जो मेरी ऊपर से जो है HP की LED से आ रही है। इसको मैं सिंपली क्लीन करके उसके अंदर मैं ऐसे करके लगा दूंगा। ये देखें दो मॉनिटर्स मैंने लग गए हैं, एक मेरी ओरिएंट की LED लग गई है और एक मेरी ऊपर जो HP की जो LED है वो लग गई है। अब वहाँ पर बच गई है VGA पोर्ट। VGA पोर्ट से अपने अंदर जो मेरी डेल की जो LCD 24 इंचेस की उसको मैंने लिंक करना है। तो ज़रा उसको भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ऐसे देख सकते हैं मैंने अपनी जो डेल की जो मॉनिटर है उसको मैंने नीचे उतार दिया। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो उसके अंदर एक है HDMI पोर्ट। HDMI पोर्ट जो मैं बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ अपने HP का जो मेरा गेमिंग PC उसके साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके जो VGA पोर्ट जो इसके अंदर ये फालतू है, तो मैंने कहा इसका जो VGA पोर्ट है उसको अपने लेनोवो के PC के साथ लिंक करते हैं। सबसे पहले इसका जो जो VGA पोर्ट का जो एक जो कनेक्टर है वो मैं इसके अंदर लिंक कर देता हूँ। देखें इस तरह से आप लोगों ने उसको देखना है कि इसकी पिंस वगैरह सही है। उसके बाद इसकी देखें साइड्स आप लोगों ने देखनी है जो उसकी शेप बनी है, बिल्कुल उसकी शेप के ऊपर जो ऐसे रख के आप लोगों ने इसके कनेक्टर के ऊपर लगा के और आप लोगों ने इसके भी इस तरह से स्क्रूज टाइट कर देने हैं। ये देखें बस इस तरह से आपने स्क्रूज टाइट करके और जिस तरह से आपने इसकी बाकी केबल्स उतारी थी अपने मॉनिटर की वैसे ही बाकी केबल्स भी वापस लगा दें। जी गाइस अब ये देख सकते हो ऊपर मॉनिटर जो है दोबारा मैंने लिंक कर दिया। मैं अभी आपको फ्रंट साइड से दिखाता हूँ। अब ये देखिए VGA केबल है। तो सेम इसी तरह से मैं करूँगा कि इसकी VGA केबल जो इसको भी सेम इस तरह से मैं लगा दूँ। थोड़ी सी मैं पहले वो ये प्लाई मैं उतार लूँ क्योंकि इसको रोकेगी VGA केबल को अंदर जाते हुए टेबल में। तो इसको मैं ज़रा निकाल लूँ पहले बाहर। अब ये देख सकते हैं ये मैं VGA केबल को भी बिल्कुल इसकी पोजिशन में मैं लगा रहा हूँ वापस से। ये देख सकते हैं आप लोग, हाँ ये अपनी पोजिशन में लग गई है वापस से। अब इसके भी मैं इसी तरह से मैं स्क्रू टाइट कर दूंगा ताकि ये जो है लूज़ ना हो। ये देख सकते हैं आप लोग। अब मेरे इस PC के साथ भी तीन मॉनिटर्स लिंक हो गए हैं और जो मेरा जो नीचे PC पड़ा है मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊं उसके साथ भी तीन मॉनिटर्स लिंक हैं। देखें इसके अंदर जो प्लस वाली DVI के लगी हुई है कनेक्टर। ये देखें कि DVI है, ये HDMI जो मेन मॉनिटर को जा रही है ऊपर और ये जो है किसके साथ VGA लगी जो ऊपर HP वाले मॉनिटर को जा रही है। तो मैं आप लोगों को भी मैं पूरा चल के फ्रंट साइड पर चल के मैं बताता हूँ कि मैंने किस किस तरह से अपने मॉनिटर्स लिंक किए हुए, कौन कौन सी मैंने पोर्ट्स यूज़ की हुई हैं। गाइस पीछे से सारे कनेक्शन आप लोगों के सामने मैंने मुकम्मल कर लिए हैं। अच्छा अब आप लोगों को मैं ज़रा बताते चलूँ। देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने HP के PC के ऊपर जो कि नीचे गेमिंग PC पड़ा हुआ है। उसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है वो भी तीन मॉनिटर्स को सपोर्ट करता है। उसके अंदर भी एक HDMI है, एक VGA और एक DVI है। HDMI जो है वो बेसिकली उसकी मेन केबल है, ठीक है, जो कि एक मेन मॉनिटर को सपोर्ट करती है जो कि फर्स्ट मॉनिटर होता है। उससे जो HDMI केबल आ रही है वो लगी हुई है यहाँ पे डेल में, ये डेल की स्क्रीन में। ये बेसिकली ये मेरा मेन मॉनिटर है जो गेमिंग PC के साथ लिंक हुआ हुआ है, ठीक है। उसके साथ इसका जो सेकेंड मॉनिटर जो आ रहा है HP के PC में से जो कि VGA है वो ऊपर लिंक हुआ हुआ है, ये इसके HP के मॉनिटर के साथ लिंक हुआ हुआ है, ठीक है, जो कि VGA केबल के साथ है। ये बात होगी कि जो हमारे जो HP का जो जो है PC है इसकी जो इसके जो अभी जो एक मेन मॉनिटर वो ये सामने है बिल्कुल आप लोगों के, जो उसका सेकंड मॉनिटर जो है जो VGA से आ रहा है वो ऊपर HP की स्क्रीन के साथ लिंक हुआ हुआ है। जो थर्ड मॉनिटर है जो कि मैंने वैसे ही लिंक किया हुआ उसके साथ, वो मैंने DVI से लिंक किया हुआ अपनी इस ओरिएंट की स्क्रीन को HDMI। इसके अंदर से जो HDMI पोर्ट निकल रही है वो हमारे PC पे जो जा रही है वो बेसिकली DVI पोर्ट में जा रही है, जो कि DVI पोर्ट से कन्वर्ट होकर HDMI पोर्ट बनी हुई है जो कि स्क्रीन में लगी हुई है। ये बात होगी हमारे ये नीचे गेमिंग PC की। अब बात कर लेते हैं लेनोवो के PC की। लेनोवो के PC के जो पहले जो पोर्ट है HDMI जो कि फर्स्ट मॉनिटर है वो यहाँ पे लिंक हुई हुई है ओरिएंट की स्क्रीन के साथ। बेसिकली ओरिएंट की जो स्क्रीन है वो एज अ फर्स्ट मॉनिटर काम करी, क्योंकि ये मेरा PC जो एज अ मल्टीमीडिया PC इसको मैं मूवीज़ वगैरह देखने के लिए मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए जो उसको मैंने जो फर्स्ट पोर्ट जो है मैंने इसकी यहाँ पे HDMI के साथ मैंने लिंक की हुई है ओरिएंट की स्क्रीन में। उसके बाद जो उसके जो सेकंड पोर्ट जो है जो कि VGA है वो कनेक्ट हुई हुई है यहाँ पे डेल की स्क्रीन में, क्योंकि डेल की स्क्रीन की जो पहली पोर्ट जो है वो HDMI के साथ लिंक हुई हुई है HP के PC के साथ एज अ फर्स्ट मॉनिटर, और एज अ सेकंड मॉनिटर जो है काम कर रहा है VGA पोर्ट के साथ वो लेनोवो के PC के साथ है। अब थोड़ा सा अगर ऊपर चले जाएँ हमारी जो HP की जो स्क्रीन है 22 इंचेस की, उसकी बेसिकली जो जो आपकी जो HDMI पोर्ट है वो यूज़लेस थी। उसको जो है मैंने अपने इसके लेनोवो के PC के साथ जो ऐसा मैंने थर्ड मॉनिटर यूज़ किया है DVI की माइनस पोर्ट यूज़ करके, जो कि DVI-D पोर्ट होती है। बस ये कनेक्शंस हैं। अब ज़रा बिल्कुल इसको आप लोगों के सामने मैं ऑन करके देखूं कि भाई जो मैंने जिस तरीके से इसकी मैंने जो पोर्ट्स कनेक्ट किए हैं वो काम कर रहे हैं। नहीं मैं सबसे पहले मैं ज़रा स्विच ऑन कर दूँ।
ये देखें पीसीस का मैंने स्विच ऑन कर दिया है। ठीक है गाइस, अब आप लोगों के सामने अभी हम लोगों ने ये दो स्क्रीन्स लिंक की हैं इसके साथ। ये देखें ये दोनों स्क्रीन्स ऑन हो गई हैं। ये देखें ये डेल की भी ऑन होगी और ऊपर एचपी वाली भी ऑन होगी। थोड़ा सा मैं अगर फोकस इसका मैं आप लोगों को करना दिखाऊँ तो ये देखें, अब आई होप सो कि आप लोगों को दोनों स्क्रीन्स नज़र आ रही हैं। तो अब बिल्कुल ज़रा आप लोगों के सामने ही मैं ये नीचे वाला अपना पीसी ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले अपनी जो मैं स्क्रीन है इसको मैं कर देता हूँ पीसी के ऊपर, और जो ऊपर वाली जो स्क्रीन है वो मेरे ख्याल में ऑलरेडी एचडीएमआई पे होगी। हाँ वो एचडीएमआई पे ही है। अब मैं ज़रा अपना पीसी ऑन कर लेता हूँ आप लोगों के बिल्कुल सामने। ये देखें पीसी ऑन हो चुका है, पीसी ऑन हो चुका है गाइस। तो अब ज़रा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ज़रा बूट हो जाए पीसी। वो देखें ऊपर वाली जो स्क्रीन है उसके ऊपर उसका डिस्प्ले आना शुरू हो गया है, क्योंकि वो डीवीआई के साथ है तो अभी ये वो एज अ मेन मॉनिटर वो एक्ट कर रहा है। क्योंकि अभी मैंने जो है अपनी ओरियंट की स्क्रीन मैंने ऑन नहीं किया। अभी ये देखें जैसे ही विंडोज़ ऑन हो जाएगी तो आपको जो है नीचे से इसका जो मैंने मॉनिटर जो लगाया हुआ उसके ऊपर भी देखें वो भी मॉनिटर जो है वो ब्लैक हो चुका है, मीन्स डेट उस पर भी डिस्प्ले आ गया है। बेसिकली जो नीचे वाला मॉनिटर जो वीजीए के साथ कनेक्ट है एज अ स्लेव काम कर रहा है। अब ये देखें आप लोगों के सामने इसका कीबोर्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो ये कीबोर्ड है इसका, मैं इसको ऑन करके और बिल्कुल आप लोगों के सामने मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ अपने पीसी के अंदर। ये देखें अब मैं पासवर्ड, जैसे ही मैं पासवर्ड डालूंगा दोनों स्क्रीन ऑन हो जाएंगी। मैं पासवर्ड इसका मैं एंटर कर लेता हूँ। देख सॉरी पासवर्ड मैंने एंटर कर लिया, वो देखें गाइस दोनों स्क्रीन ऑन होगी बिल्कुल आप लोगों के सामने है। नीचे वाला जो है वो एज अ स्लेव मॉनिटर काम कर, ऊपर वाला जो है वो भी एज अ फर्स्ट मॉनिटर जो उसका जो प्राइमरी मॉनिटर वो काम कर रहा है। अब उसके साथ हम लोग एक और ज़रा काम करके देखते हैं कि हमारी ये जो ओरिएंट की जो स्क्रीन है उसकी भी मैं ज़रा पावर ऑन कर लेता हूँ और उसको भी ज़रा ऑन करके देखते हैं कि क्या होता है जब इसको हम ऑन करते हैं। तो मैं ज़रा कैमरे को मैं तो ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को तीनों मॉनिटर्स नज़र आएँ, ये देखें, ताकि जो कुछ भी हो बिल्कुल आप लोगों के सामने हो। जब फर्स्ट मॉनिटर जो ऑन होगा जो एचडीएमआई के साथ है फिर देखते हैं क्या होता है। चलें इसको ज़रा मैं पावर अप कर लेता हूँ बिल्कुल, ये रिमोट मेरे हाथ में आप लोगों के सामने इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। ये देखें गाइस ये देखें ये ऑन हो गया। अब इसको मैं ज़रा एचडीएमआई 1 पे कर लेता हूँ क्योंकि एचडीएमआई 1 पे कनेक्टेड है ये। ये गाइस ये भी नो सिग्नल दिखा रहा है क्योंकि द थिंग इज दैट अभी इसके साथ ऑलरेडी जो है थ्री मॉनिटर सॉरी टू मॉनिटर्स कनेक्टेड हैं। अब इसको ऑटो डिटेक्ट करना चाहिए था लेकिन पता नहीं इसने क्यों नहीं किया। तो हम ज़रा देखते हैं कि इसकी जो केबल जो हमने लगाई है पीछे वो सही लगाई है या नहीं। तो बिल्कुल सर आप लोगों के सामने ही मैं चेक कर लेता हूँ। तो एक दफ़ा जो है हम लोग अपने पीसी को भी ज़रा रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए कीबोर्ड से इसको मैं रिफ़्रेश करने लगाऊं। जी गाइस रिफ़्रेश करके देख लिए लेकिन फिर भी हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो अब ये आपको मैं बताते चलूँ कि हमारा डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी देखें हमारी जो ऊपर जो एचपी वाली जो स्क्रीन है वो अभी एक्ट करी एज अ फर्स्ट मॉनिटर। ठीक है, जो हमारी जो नीचे जो डेल की स्क्रीन है वो एक्ट करी एज अ हमारा सेकेंड मॉनिटर। तो जो अभी हमारी जो फर्स्ट मॉनिटर जो स्क्रीन बनी हुई थी जो एचडीएमआई के साथ कनेक्ट थी उसको अभी सिग्नल जा रहा है कि मतलब ग्राफिक कार्ड के थ्रू भाई ये वाली पोर्ट अभी बंद करो, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों को अपने पोर्ट्स कैसे एक्टिवेट करनी है तो मैं आपको बताता चलूँ। देखिए जिस तरह से भी हमारी ओरिएंट की स्क्रीन चल रही है, डेल की भी चल रही है ऊपर एचपी की भी चल रही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एचपी की जो स्क्रीन है उसकी पावर ऑफ करनी पड़ेगी। और एक और चीज़, अगर इसको मैं रिमोट से ऑफ करूँ, उसको मैं स्टैंड बाय पर ले आऊँ तो फिर भी जो है इसको सिग्नल नहीं जा रही, क्योंकि वो फिर भी इसके एचडीएमआई की पोर्ट पर थोड़े बहुत वोल्ट्स आ रहे होते हैं जो कि उसको बताते हैं कि भाई अभी ये स्क्रीन जो है एज एक्टिवेशन मोड में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें गाइस स्क्रीन मैंने दोबारा से अभी ऑन कर दी है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँ कि अगर आप अपने भी पीसी के साथ अगर तीन स्क्रीन लगाना चाहें तो आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन करनी आनी चाहिए है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसकी स्क्रीन की जो पावर है वो इसका मैंने प्लग से ऑफ करनी पड़ेगी। तो मैं जल्दी से प्लग से इसकी मैं पावर ऑफ करके देखता हूँ क्या होता है। ये देखिए गाइस स्क्रीन की मैंने पावर प्लग से ऑफ कर दी है। अब आप लोग देख सकते हैं अब वो वाला जो मॉनिटर है वो हमारा फर्स्ट मॉनिटर बन चुका है। अब ये जो मॉनिटर है अब आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल आप लोगों के सामने डिस्प्ले आ चुका है, वैसा ये सेकंड मॉनिटर काम कर रहा है। ठीक है, अब बिल्कुल आप लोगों के सामने ही मैं ज़रा ये डेल की स्क्रीन को भी नीचे से ऑफ कर दूँ फिर देखते हैं क्या होता है।
ये देखिए गाइस, डेल की भी स्क्रीन मैंने ऑफ कर दी है। अब आप लोग देखेंगे एकदम जो है थोड़ी देर में ये यहाँ पे जो है आइकन्स आप लोगों के सामने आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली ये फिर एज अ फर्स्ट मॉनिटर काम करना शुरू कर देगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम जरा बारी बारी करके दोनों स्क्रीन दोबारा से ऑन करते हैं। अब देखते हैं आप क्या होता है। वो देखें डेल की स्क्रीन भी ऑन हो गई। और देखें गाइस, देखें तीनों स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले आना शुरू हो गया है। ये आप लोग देख सकते हैं तीनों स्क्रीन्स पर डिस्प्ले आना शुरू हो गया है। सेम इसी तरीके से अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जो है अपने मतलब पीसी के साथ जो है थ्री स्क्रीन्स की आप लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आप लोगों के बिल्कुल सामने ही जो है तीनों स्क्रीन्स ऑन है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3। इसी तरह से आप लोग जो है अपने पीसी के साथ जो है थ्री स्क्रीन्स कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर गाइस वीडियो पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक और बड़ी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो कि बेसिकली होगी रिमोट कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी रिमोट मॉडिफिकेशन से। ये बेसिकली मेरा रिमोट है LED का। मैं तंग आ चुका हूँ उसके सेल्स चेंज कर करके कि मतलब सेल्स कभी ख़राब हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। मैं आप लोगों को बेसिकली ये रिचार्जेबल रिमोट बनाना सिखाऊंगा। जिस तरह से आप लोग अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, जिस तरह से मेरे पास एक कीबोर्ड है, ये बेसिकली रिचार्जेबल वाला कीबोर्ड है, इसके अंदर बैटरी है। तो उसी तरीके से मैं बताऊंगा कि आप अपने कोई भी टीवी के एसी के रिमोट को आप लोग कैसे रिचार्जेबल रिमोट बना सकते हो। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो आएगी। काइंडली चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।